एक गांव के बाहर बड़ा सा पिरामिड था। उस पिरामिड के पास कोई आता जाता नहीं था, क्योंकि उसमें एक डरावनी मम्मी रहती थी। वो रात को पिरामिड से निकलकर गांव में जाती थी और वहां लोगों को उठा लेती थी और उन्हें ले जाकर पिरामिड में कैद कर लेती थी। वो उन लोगों को अपने जैसा मम्मी बनाकर पूरे संसार पे राज करना चाहती थी। गांव के सारे लोग मम्मी के डर से दरवाजा बंद करके जल्दी सो जाते थे। कुछ दिन मम्मी को कोई शिकार नहीं मिलता। वो आती और खाली हाथी वापस चले जाती। एक दिन मम्मी रात को अपना शिकार ढूंढने निकलती है। उस दिन उसे एक घर का दरवाजा खुला मिलता है। विमला ने अपने बेटे चंदन के लिए दरवाजा खुला छोड़ा था और उसकी नींद लग गई थी, तो मम्मी उस घर में घुस जाती है तो देखती है विमला सो रही है। वो विमला को पकड़ के ले जाती है। सब लोग अपने खिड़की से देखते रहते हैं। अरे मर गई रे, इस मम्मी ने मुझे पकड़ लिया, कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन कोई मदद नहीं करता। मम्मी विमला को पिरामिड में लेके जाती है और बंदी बना लेती है और वापस गांव की तरफ आने लगती है और सोचने लगती है कि ऐसे में तो लोग ढूंढने में समय लगेगा, ऐसे में वो दुनिया पे राज कैसे करेगी। वो सोचती है क्यों ना मैं विमला बन जाऊँ, और वो विमला बन जाती है और विमला बन के उस घर में चले जाती है। दूसरे दिन चंदन उठता है तो देखता है कि माँ के सारे काम हो चुके थे, खाना भी बन के तैयार था, कुएं से पानी लाके सारे मटके भी माँ ने भर दिए थे, घर भी चकाचक चमक रहा था। पहले माँ को बहुत समय लगता था, लेकिन आजकल सारे काम फटाफट हो रहे थे, ऐसा रोज होने लगा था। वो चकित रह जाता है और उसे शक भी होता है। एक दिन जब बिजली चले जाती है तो चंदन मोमबत्ती जलाता है तो उसे देखकर माँ डर जाती है। नहीं नहीं, इस मोमबत्ती को मुझसे दूर रखो। चंदन को ताज्जुब होता है कि माँ ऐसा क्यों कर रही है। चंदन को और शक होता है, कुछ तो गड़बड़ है। रोज रात चंदन के सो जाने के बाद विमला बाहर निकलती थी, मम्मी का रूप लेती थी और अपना शिकार ढूंढती थी और उसे उठाकर पिरामिड में लेके जाती थी। एक दिन चंदन सोने का नाटक करता है और जैसे ही विमला घर के बाहर निकलती है वैसे ही वो विमला का पीछा करता है और पीछा करते करते चंदन पिरामिड के पास पहुंच जाता है। वो पिरामिड के अंदर जाके देखता है तो चकित रह जाता है, एक ही चेहरे के दो लोग। इतने में विमला मम्मी बन जाती है। चंदन सारी बात समझ जाता है। उसे उसकी माँ को मम्मी के चुंगुल से छुड़ाना होता है। उसे याद आता है कि उस दिन मम्मी मोमबत्ती से डर गई थी, मतलब मम्मी को आग से डर लगता है। वो जल्दी से एक पेड़ की सूखी डाली तोड़ता है और उसे आग लगाता है और पिरामिड में जाके उस मम्मी को डराता है। मम्मी आग से डरकर पीछे जाती है और एक ताबूत में चले जाती है। चंदन ताबूत का दरवाजा लगा देता है और उसके सामने एक बड़ा सा पत्थर रख देता है। मम्मी हमेशा के लिए वहाँ कैद हो जाती है। चंदन जल्दी से अपनी माँ और गांव वालों को पिरामिड से बाहर निकाल लेता है। अपनी बहादुरी से वो सबकी जान बचा लेता है।